Special ed to the special. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम वेलकम प्रेमनगर व्लॉगर चैनल में। ये देखें जी, हमाल भाई अपने परिंदों को दाना डालने की तैयारी कर रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेमनगर व्लॉगर, आज मैं दोबारा फिर अपने ब्लॉग में आ गया हूँ। आज से मैं आपको अपने परिंदों की वीडियो बना के दिखाया करूँगा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जरूर परिंदों की पसंद आएगी। चलें अब मैं अपने परिंदों को दाना डालने लगा हूँ। मेरे पास तोते कबूतर चूजे वगैरह हैं, अभी मैं और परिंदे लेके आऊँगा, मैं सेटअप बनाने लगा हूँ। चलाएँ ये कितने परिंदे हैं? ये बस छह तोते हैं। एक जोड़ा मैंने तोतों के यहाँ पर छोड़ा हुआ है, एक कबूतर है हमारे पास, ये कुमड़ा हमारे पास, तीन जोड़े हैं, दो बल्कि। और ये हमारा छोटा सा चूजा स्पेशल है, चूजा स्पेशल। ये हमने बलूचिस्तान से मंगवाया है। मेरे पास छत पे भी मुर्गियाँ भी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एक जोड़ा ये है हमारे पास, ये हमारा स्पेशल, ये तोता है। इसके ऊपर ये कंधे में फूल वगैरह निकले हैं। ये हमारे पास एक खुमरा है और ये कबूतर है। छत पे भी मुर्गी है, छत पे भी हमने मुर्गी रखी है, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। जुम्मे का टाइम हो गया, जब मैं जुमा पढ़ के आ गया हूँ, मैंने कबूतरों को खोला हुआ है, इनको दाना वगैरह डाल रहा हूँ। मेरे पास 20-25 कबूतर हैं, मैंने छत में रखे हुए हैं। और इसके अलावा ये मैंने छत में मुर्गियां भी रखी हुई हैं 5-6। और ये छत में मैंने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, 3-4 बस ये पिंजरे हैं मेरे पास, ये छोटा सा फ्लावर मैंने सेटअप बनाया हुआ है। छोटा सा ये मैंने कबूतरों के लिए,
ये आने वाले दिनों में मैं और परिंदे लेके आऊँगा। पहले मैं छोटा सा सेट में छत में सेट तैयार करने लगा हूँ, उसके बाद फिर मैं और परिंदे लेके आऊँगा। ये मैंने एक बिल्ली भी रखी हुई है, ये देखें। ये देखिए अब रात का वक्त है, तकरीबन इशा की जाने हो रही हैं। अब मैं अपने मुर्गों को बंद करने आया हूँ। मैंने सोचा कि आपको ये भी थोड़ा सा वीडियो बना के आपके घर जाएँ, और आपको ये वाला व्लॉग कल तक रात तक आ जाएगा। कल मैं सुबह को इंशाल्लाह जाना पे दोपहर को अपलोड कर दूंगा। ये देखें, ये मेरे पास ये सील मुर्गी है। ये मेरे पास एक सील मुर्गी है माशाल्लाह से। इसके अलावा दो और हैं। इधर आ जाए। ये देखें, दो मेरे पास ये सील मुर्गी हैं। ये कुरक हुई थी, इन्होंने बच्चे निकाले हैं। तकरीबन 8-10 बच्चे निकाले हैं दोनों ने रल के, और जिसमें से उनके 5 बच्चे रह गए, बाकी 5 मर गए हैं। बच्चे हमने साइड में कर दिए क्योंकि क्योंकि बच्चे मरे जा रहे थे, इसलिए हमने मुर्गी से साइड में कर दिए। बच्चे हम नीचे ले गए हैं। मुर्गियाँ अब जो कुरक से हट चुकी हैं। ये दो सील हैं शामू ने सर आ जाए।